हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप फ्रेंड आप सब लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। और आज का मेरा ब्लॉग है 2 तारीख का मेरा ब्लॉग है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड। और मैं बनाऊंगी हरे मटर की घुघरी। और सर्दियों में फ्रेंड बहुत चटपटा खाने का मन होता है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो आज मैं बनाई हूँ हरे मटर की घुघरी और अपने स्टाइल से बनाई हूँ और एकदम नए तरीके से बनाई हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे हरे मटर की घुघरी बनाती हूँ और एकदम नए स्टाइल से बनाऊँगी फ्रेंड। और आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाया होगा ऐसा, और आप लोग उंगली चाटते रह जाएंगे फ्रेंड। आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और चलते हैं किचन में। तो आइए। और फ्रेंड यहाँ पर किचन में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ और भी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड हम लोग हैं बस में और यहाँ मेरे तीनों बच्चे हैं और मैं हूँ। और देखिए सिंपी का तो हमेशा मुंह फूला रहता है, कहीं भी जाएगी वो बहुत जल्दी जल्दी नाराज़ होने लगती है। तो उसे मैं कह रही हूँ कि इतनी जगह है बैठ जाओ, तो कह रही कि नहीं मैं खड़े होकर जाऊँगी, नाराज़ हुए हो। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पर कुछ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, गाजीपुर लंका मैदान में प्रदर्शनी लगा हुआ है फ्रेंड। तो वहाँ पर हम लोग गए थे, मैं और मेरे बच्चे गए थे देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड कुछ ऐसा नज़ारा है बच्चों का खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ था यहाँ पर। और यहाँ देखिए ये कार है और ये बड़ा वाला झूला था यहाँ पर। और फ्रेंड बहुत सारे झूले थे और बहुत से एंजॉय करने के लिए बच्चों के लिए बहुत से मतलब अच्छे अच्छे खिलौने वगैरह थे। तो बच्चे यहाँ बहुत एंजॉय किए। और यहाँ बड़ा वाला झूला था, तो पता नहीं कितना था बड़े वाले झूले का प्राइस, वहाँ पे टिकट कितना था। और यहाँ पर तो देखिए यहाँ शायद 40 रुपये हैं। और यहाँ छोटे बच्चों की ट्रेन थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। और मैंने कहा बच्चों से बैठने के लिए, तो कह रहे नहीं हम इतनी छोटी ट्रेन में नहीं बैठेंगे, हम बड़ी वाली ट्रेन में बैठेंगे। तो यहाँ पर छोटी ट्रेन थी और बड़ी ट्रेन भी थी बड़े बच्चों के बैठने के लिए। और यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा खेला था गेम, और तीनों बच्चों ने खेला था। और फिर यहाँ पर दिख गई थी इन लोगों के लिए गुड़िया, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी। तो सिंपी को बहुत पसंद थी गुड़िया ये वाली। और क्या होता है फ्रेंड ना कि ये गुड़िया वहाँ पर 300 की मिल रही थी, तो यहाँ पे दोनों लोगों को, सिटी को और सिंपी को, बहुत पसंद थी। और गुड़िया को देखते ही इन लोगों को याद आ गया कि हाँ किरण मौसी रहती तो हम किरण मौसी से गुड़िया खरीदवाते। और ऐसी ही गुड़िया किरण ने एक बार उन लोगों के लिए ला के दिया हुआ था, तो वही वो देख के याद कर रही थी किरण मौसी को कि किरण मौसी रहती तो ये खरीदवाते, किरण मौसी रहती तो वो खरीदवाते। और मैं गुड़िया खरीदी नहीं हूँ। देखिए यहाँ सिंपी हमारी नाराज़ हो गई हैं। और फिर हम लोग आ गए थे दूसरे स्टॉल पे और यहाँ पे ये लोग देख रहे थे खिलौना। तो यहाँ पे इन लोगों ने लिया था कुछ, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ ख़रीदा था, मैं आप लोगों के साथ बाद में दिखाऊंगी, आगे दूसरे ब्लॉग में शेयर करूंगी और मैंने क्या क्या ख़रीदा है बच्चों के लिए तो और अपने लिए। तो फिर अगले वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड। तो ये था स्टॉल खिलौने का, और खिलौने का बहुत सुंदर सुंदर खिलौने थे और काफ़ी प्यारे प्यारे थे और प्राइस भी काफ़ी अच्छा ही था इन लोगों का वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर मेला था तो मेले में जाहिर सी बात है बच्चे जाएंगे। तो प्राइस भी इन लोगों ने अच्छा खासा ही वहाँ पे रखा हुआ था। और फिर आ गई थी ये लोग यहाँ पे टेडी बियर की दुकान पे, और टेडी बियर तो इन लोगों को बहुत ही पसंद है। तो फ्रेंड क्या है कि सिंपी पसंद कर रही थी और
एक दो नहीं पसंद कर रही थी, चार या पांच ये लोग पसंद कर रही थी। तो मैंने कहा मैं लूँगी नहीं, क्योंकि फ्रेंड टेडी बियर मुझे भी बहुत पसंद है और मैं कहीं जाती हूँ तो टेडी बियर मुझे पसंद आ जाता है तो लेकर आती हूँ। और ये लोग क्या करती हैं, एक या दो दिन खेलेंगी और फिर उसके बाद मिट्टी मिट्टी वाला घर है तो यहाँ वहाँ फेंकते फेंकते ये लोग गंदा करके पूरा टेडी बियर का एकदम धज्जिया उड़ा देती हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं नहीं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगी तुम लोगों के यहाँ, यहीं खेलना है तो खेल लो, यहीं इंजॉय कर लो, घर में लेके नहीं जाऊंगी, खाली पैसे की बर्बादी है। तो ये इन लोगों को फिर से आ गई किरण मौसी की याद कि हाँ किरण मौसी को तुम क्यों नहीं लेके आई, किरण मौसी रहती तो हम किरण मौसी से खरीदवाते। तो मैंने कहा ठीक है, अब अगली बार आएंगे तो किरण के ही साथ आना, मैं नहीं लेके आऊँगी तुम लोगों को। और स्वीटी तो मान गई मगर सिम्पी का मुंह फूल जाता है, हमेशा सिम्पी मानती नहीं है। और मैं एक टेडी बियर ले देती इन लोगों के लिए, मगर टेडी बियर वाला कहीं फ़ोन में इतना बिजी था कि उसके स्टॉल पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे कुछ से मतलब ही नहीं है। तो कई बार मैंने प्राइस पूछा कि भैया ये टेडी बियर कितने का है, तो उसने बताया ही नहीं। तो फिर उसके वहाँ पे ये लोग खेलते खेलते एंजॉय करते हुए चली गई थी दूसरे स्टॉल पे। तो अभी देखिए हम लोग फ्रेंड अभी दूसरे स्टॉल पर आ गए हैं और यहाँ पे फिर से ये लोग खिलौना अपने मनपसंद का खोज ली हैं और कह रही हैं कि मम्मी ये मौसी की लड़की के लिए ले लो, निधि के लिए, क्योंकि अभी वो छोटी है, एक साल की है और धीरे धीरे चलती है। तो कह रही हैं कि ये निधि के लिए ले लो और वो चलेगी और इसे हाथ में लेके चलेगी। और आयुष मेरा, मिंटू मेरा उन लोगों के हाथों से खिलौना छीन छीन के वो रख रहा था और ये लोग मतलब मन मना उठा ले रही थी, ये वो सब कुछ जो पसंद आ रहा था ये लोग उठा ले रही थी। तो और बाबू मेरा उनके हाथ से छीन छीन के रख रहा था। और यहाँ पे क्लीचर वगैरह है और रबड़ वगैरह है, हेयर बैंड है। तो मैं कह रही हूँ कि ले लो स्वीटी सिंपी बाल में बांधने के लिए, तो ये लोग ले नहीं रही हैं, कह रही हैं कि हम नहीं लेंगे, हमें जो पसंद है वो आप दिलवा नहीं रही हैं। और देखिए इन लोगों को यही सब पसंद है। और ये इसे क्या बोलते हैं, ये फुलाने वाला है जो 30 रुपए का 40 रुपए का दे रहे थे, तो वही इन लोगों को पसंद आ रहा था। जो इन लोगों को पसंद आ रहा था वो मुझे नहीं पसंद आ रहा था। तो मैं जब नहीं ले रही थी तो सिम्पी बहुत नाराज़ हो जा रही थी फ्रेंड। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, घर पे आ गए थे, 4 बज गया था और यहाँ पे हरी मटर थी फ्रेंड। तो उसके हम लोग 12 बजे गए थे फ्रेंड और 4 बजे तक हम लोग उधर से वापस आ गए थे। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया था फ्रेंड। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ हरी मटर की, वो क्या बोलते हैं, निमोना बोलते हैं, निमोना तो नहीं, हरी मटर की मैं घुघरी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ है लहसुन, हरी मिर्च और प्याज को मैंने कुटनी में कूट लिया है और यहाँ पे तेल गरम हो गया था कढ़ाई में, तो वही मैं डाल के भून ले रही हूँ। और भूनने के बाद मटर छीलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है फ्रेंड, तो मटर को पहले मैंने छील लिया था, रेडी कर लिया था। और उसके बाद तेल में हरी मिर्च को और प्याज को पका लेंगे और पकाने के बाद और फ्रेंड जब हमारी प्याज बिल्कुल लाल हो गई थी तो उसमें मैंने मटर को डाल दिया था और मटर को डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे। और यहाँ पर मैंने टमाटर को फ्राई करना मैं भूल गई थी और फिर उसके बाद मैंने कट किया है टमाटर को। और यहाँ पे मैं डाली हूँ हरी धनिया और हरी धनिया को मैंने अच्छे से काट के डाल ली थी। और यहाँ पर डाली हूँ नमक और फिर हल्दी और कुछ फिर जो मसाले थे गरम मसाला ही था तो वही मैं हल्का सा डाली थी फ्रेंड। और डालने के बाद अच्छे से मिला के और ढक के मैं रख दी थी उसे थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक पकने के लिए। और जब थोड़ा सा पक गया था तो मुझे ध्यान आया कि हाँ मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है, तो फिर मैंने टमाटर को फटाक से धुली और फिर उसके बाद डाली हूँ टमाटर कट करके। और टमाटर को डालने के बाद फिर से ढक के फिर से पकाई फ्रेंड। और फिर पकाने के बाद देखिएगा आप लोग मेरी हरी मटर कितनी स्वादिष्ट और अच्छी बनी है।
और यहाँ देखिए हमारी हरी मटर बनके तैयार है। तो फ्रेंड आइए आप लोग खा लीजिए और बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा ज़रूर।